का वो पुल जो दो बार बना दोनों बार गिरा, लागत 1700 करोड़। पुल को लेकर सियासी हलचल भी तेज। आखिर कौन है असल जिम्मेदार? पुल के दो बार ढहने की क्या है वजह? मनीष कश्यप ने कैसे कर दी थी भविष्यवाणी? एक साल पहले ही खुल गया था पुल का पोल। बिहार के पुल के गिरने का वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि उसे लेकर कई कड़वे सवाल हर किसी के मन में गूंज रहे हैं। 1700 करोड़ की लागत में बनी पुल गिरी कैसे? आखिर क्यों इस पुल की हो रही देश भर में इतनी चर्चा? कैसे मनीष कश्यप की रिपोर्टिंग का इस पुल की चर्चा में है अहम रोल? पुल का टेंडर लेने वाली कंपनी का क्या है कहना? ऐसे ही ना जाने कितने ही सवाल हर किसी को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। लेकिन जो सवाल अब सामने आ रहे हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी एक साल पहले ही बता दी गई थी। दरअसल ये पुल बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, ना केवल वीडियो के वायरल होने के लिहाज से बल्कि इस पुल को बनाने के पीछे के उद्देश्य से भी। पुल से जुड़ी आज भी कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में लोग नहीं जान पाया है, लेकिन आज हम उन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे जिससे इस पुल से जुड़ी सच्चाई और इसके बार बार गिरने के पीछे की वजह और असल जिम्मेदार सामने आ जाएगा। पुल की कहानी शुरू होती है साल 2014 से, जब इसकी आधारशिला खुद वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रखी गई थी। पुल को बनाकर तैयार होने की समय सीमा मार्च 2019 तय की गई थी। हैरानी की बात है कि ये पुल ना तो आज तक बनकर तैयार हो पाया, साथ ही जब जब बना तब तब ये विपदा के कारण गिर गया, चाहे तो हवा में उड़ गया, कभी गंगा नदी में प्रवाहित हो गया। जो वीडियो इन दिनों बिहार के भागलपुर पुल का वायरल हो रहा है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। देखते देखते काफी लंबा पुल अचानक से समुद्र में खो सा जाता है। इस पुल को अहम बताया जा रहा है क्योंकि ये ब्रिज ऐसा है जो भागलपुर के सुल्तानगंज से खगड़िया के अगवानी तक जोड़ सकता था। जिस प्रोजेक्ट को 2014 में शुरू किया गया था और 2019 में खत्म होना था, उसकी डेडलाइन लगातार अब तक 8 बार बढ़ाई जा चुकी है। वहीं हैरानी की बात है कि 5 साल बाद भी इस पुल का 25% काम भी सही से नहीं हुआ था। इस तरह पुल की डेडलाइन 2020 से 2022 तक बढ़ा दी गई। अब बात उस घटना की कर लेते हैं जब पहली बार पिछले साल ये पुल बनकर गिर गया था। पिछले साल 30 अप्रैल की बात है जब तेज बारिश और हवा की वजह से पुल के दो पिलर गिरे थे। जब ये घटना हुई थी उस वक्त बिहार के युवा पत्रकार मनीष कश्यप ने इस पर कई तीखे कड़वे सवाल सरकार साथ ही उसे बनाने वाली कंपनी से किए थे, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ था कि उन सारी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए इस पुल को बनाने वाली कंपनी पर एक्शन लेने के बजाय उन्हें और वक्त दे दिया गया था। और इस पुल को दोबारा से बनाने की बात इसलिए कही गई थी क्योंकि ये एकमात्र पुल था जो उत्तर से दक्षिण भारत को आपस में जोड़ पाता। जब पुल के पहले बार गिरने की वजह को जानने की कोशिश की गई थी तो कह दिया गया था कि ढीली केबल तार की वजह से ये नहीं ठहर पाया, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने इसके लिए घटिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात भी उजागर की थी और इसका श्रेय जाता है मनीष कश्यप को, जिसने उस पुल पर जाकर वहां पर चल रहे काम साथ ही हो रहे धांधली को अपने वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाई थी। पुल की महत्वता को बताते चले तो आपको जानकारी दे दें कि ये ब्रिज भागलपुर से 35 किलोमीटर दूर पश्चिम में बन रहा था। वहीं पुल का टेंडर एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को दिया गया था। पुल की लंबाई 3.11 किलोमीटर बताई गई है। एकमात्र ये ऐसा ब्रिज था जो नेशनल हाईवे 31 और नेशनल हाईवे 107 को आपस में जोड़ता। पुल के कारण सुल्तानगंज और खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जैसे कई जिलों की दूरियां कम हो जाती और आसानी से आवागमन का रास्ता खुल जाता। अब आपको बता देते हैं कि जिसने कंपनी को पुल का टेंडर मिला था उन्होंने क्या सफाई दी है, साथ ही उनका लेखा जोखा क्या कहता है। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को सुल्तानगंज अगवानी ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसकी कुल लागत 1717 करोड़ रुपए थी। सिंगला कंपनी तब रडार पर आई थी जब मई 2020 में 3 बच्चों की मौत कंक्रीट स्लैब गिरने से हो गई थी। वहीं यह हादसा लोहिया चक्रपथ के कंस्ट्रक्शन के दौरान हुआ था। अब आ जाते हैं मार्च 2023 की एक रिपोर्ट पर और आपको बता दें उसके मुताबिक NHAI ने उस घटना के बावजूद पटना में गंगा नदी के ऊपर 6 लाइन का ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही दिया। अगर देखा जाए तो बिहार के ज्यादातर प्रोजेक्ट या फिर सारे बड़े प्रोजेक्ट को इसी कंपनी को टेंडर दिया जाता है।
भागलपुर में हो रहे पुल निर्माण की बात यहीं तक नहीं रहती, बल्कि इस पर अब सियासत तेज हो चुकी है, जहां जल्द से जल्द इस पुल को दोबारा से सही से बनाने के काम को शुरू करना चाहिए था, वहां पर अभी वर्तमान सरकार और विपक्ष में मौजूद सरकार के बीच तनातनी बनी हुई है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बात की गंभीरता कोई नहीं समझ रहा कि जो 1700 करोड़ की लागत में बनी उस पुल में लगाई गई है, जो देखते देखते ताश की पत्तों की तरह बहती गंगा में डूब गई, वो पैसा और किसी का नहीं बल्कि आम जनता का है। ये पुल का गिरना एक भारी क्षति के तौर पर बिहार के आने वाले भविष्य को दिखाता है। जहां बात विकास और जागरूकता की होनी चाहिए थी, वहां इस तरह की घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली है। इस बात से हैरानी ज्यादा होती है कि जब पुल में कमी को उजागर करते हुए मनीष कश्यप ने बीते साल वीडियो बनाई थी, तो उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया था, जिसमें उन्होंने वहां पर अपील भी की थी और एक बार इस पुल के निर्माण पर ध्यान देने के लिए कहा था, जांच कमेटी बैठाने की बात की गई थी, लेकिन हर किसी ने उसे अनदेखा किया और आज नतीजा ऐसा है कि 1700 करोड़ की लागत में बना पुल ऐसे ही गंगा नदी में प्रवाहित हो गया।